हमारे जयपुर के अंदर गढ़ गणेश हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जो कि इतनी सिद्ध है कि वहाँ अगर आप लगातार 7 बुधवार चले गए, कोई भी मनवांछित इच्छा बोलकर, कोई भी इच्छा बोलकर, पहले तो आप वो 7 बुधवार कर ही नहीं पाओगे, बहुत कठिन है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप वो काम ना कर पाओ। और अगर आपने 7 बुधवार कर लिए वहाँ पर, तो आपका कितना भी इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, वो उनकी कृपा से होगा ही होगा। आज के दिन की शुरुआत होती है सूर्य देव को जल चढ़ाने से, और इसके बाद मम्मी और दीदी के कहने पर मैंने कपड़े चेंज किए और मैं घर से निकल गई। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा और बाकी दिनों के मुकाबले आज यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्राउड था, और हफ्ते दर हफ्ते ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और ये सब सिर्फ उस एक वायरल रील की वजह से। हमारे जयपुर के अंदर गढ़ गणेश हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जो कि इतनी सिद्ध है कि वहाँ अगर आप लगातार 7 बुधवार चले गए, कोई भी मनवांछित इच्छा बोलकर, कोई भी इच्छा बोलकर, पहले तो आप वो 7 बुधवार कर ही नहीं पाओगे, बहुत कठिन है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप वो काम ना कर पाओ। और अगर आपने 7 बुधवार कर लिए वहाँ पर, तो आपका कितना भी इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, वो उनकी कृपा से होगा ही होगा। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ, बस एक ही चीज़ सुनती हूँ अपने आसपास के लोगों से। और हो गए दर्शन? हाँ हो गए। कितने बुधवार हो गए आपके? मेरे 6 बुधवार हो गए, एक बाकी है अभी। मेरे तो 4 हो गए थे, फिर एक मैंने छोड़ दिया था, तो अब मैं वापस 1 से शुरू करूंगा। आज मेरा पहला ही था। आज पहला है? हाँ। It seems funny, but it is not. तो तुम्हें लगता होगा कि गणेश जी ऊपर ये डायरी लेकर बैठते हैं और इस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं। मेरे तो 4 हो गए थे, फिर एक मैंने छोड़ दिया था, तो अब मैं वापस 1 से शुरू करूंगा। आज मेरा पहला ही था। आज पहला? अरे भाई, ये कोई टेंपल रन गेम थोड़ी ना है, जो कंप्लीट नहीं हुआ तो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है, अगर आप वहाँ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हो, तो भगवान को भी तुम्हें वहाँ बुलाकर अच्छा फील नहीं होगा। इतनी भीड़, तुम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इकट्ठी कर रहे हो। एट लास्ट जितनी भी बार जाओ, दिल से जाओ और बिना इच्छा के जाओ, वो तुम्हारे अंदर तक सब सुन लेंगे तुम क्या चाहते हो। और यही मैं जब अपने बर्थडे पर गई थी, तब एकदम बिल्कुल खाली था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और तुम ये देखो, इस बढ़ती भीड़ को देखकर 2 हफ्ते में ऑटो वालों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। और एक चीज़, अगर तुमने 7 बुधवार कर भी लिए और तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तो क्या उसके बाद तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे? इस बात का जवाब ज़रूर देना। जय श्री गणेश।